नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज 17 जून 2020 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। एजुकेशन भास्कर स्कॉलरशिप्स फेलोशिप्स, भास्कर डेली करंट अफेयर्स क्यूज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, रीट परीक्षा में स्नातक का वेटेज समाप्त करने की मांग, भरतपुर भास्कर रीट शिक्षक भर्ती 2020, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर भास्कर आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 का परिणाम इसी माह जारी करने की मांग, कोरोना संकट के बीच चिकित्सा विभाग से अच्छी खबर, प्रदेश में फार्मासिस्ट के 633 पद बढ़े, अब 2369 पदों पर होगी भर्तियां, जयपुर राजस्थान नई भर्ती 2020, एएसओ परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका 1,00,000 रुपए हर जाना सहित खारिज, जयपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2018, CBSE नई भर्ती 2020, CBSE असिस्टेंट सेक्रेटरी सहित विभिन्न पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षाओं की उत्तर कुंजी जारी, अजमेर भास्कर शिक्षा मंत्री ने की प्रधानाचार्य की पहल की प्रशंसा, लीलसर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, अध्यापकों को 3 माह से वेतन के लाले, निजी स्कूलों पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावनाएं, चाकसू फीस बढ़ाने वाले कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी की घोषणा, जयपुर एमप्यूटी का एनडीआरआई करनाल के साथ एमओयू, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर नवज्योति इग्नू परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई, जोधपुर नवज्योति इग्नू 14 स्टूडेंट्स का 2 महीने का 26,000 किराया माफ़ किया, जोधपुर नवज्योति विश्वविद्यालय में 6 तबादले, परीक्षा शाखा में कुर्सी अब भी खाली, जोधपुर नवज्योति जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 9 जुलाई से, टाइम टेबल इसी सप्ताह होगा जारी, कॉलेजों को केंद्र बनाने के लिए भेजे पत्र, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय नवज्योति जोधपुर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर नवज्योति, बोर्ड की शेष परीक्षाएं कल से 6,000 केंद्रों पर होगी, डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जयपुर नवज्योति छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी, विद्यार्थियों को 30 जून तक फीस जमा कराने के निर्देश, धौलपुर राजकीय महाविद्यालय सत्र 2020-21, एजुकेशन प्लस अग्रसेन कॉलेज में ऑनलाइन शिक्षण शुरू, सभी क्लासेस के बनाए व्हाट्सएप ग्रुप, भरतपुर 6 प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन अब 30 जून तक, कोटा भास्कर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग पर दिया ज्ञापन, भीनमाल भास्कर ढिलाई, सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए बनाई स्माइल ऑनलाइन योजना, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, 40% शिक्षकों ने ही निभाई जिम्मेदारी, चित्तौड़गढ़ भास्कर नवाचार, विद्यार्थी गांवों से सीखेंगे कैसे आगे बढ़े अर्थव्यवस्था, बांसवाड़ा भास्कर महाविद्यालय में प्रवेश के लिए ई मित्र से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, सीकर भास्कर कक्षा 6 से 12वीं तक की 10,00,000 किताबें पहुंची, 13 की तरह आनी है, नीम का थाना सीकर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर प्रेस विज्ञप्ति, अच्छी खबर सिरमाधोपुर में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश जल्द शुरू होंगे, 23 पद स्वीकृत किए, सिरमाधोपुर सीकर राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट के ऑनलाइन आवेदन 20 जून तक, वेटनरी विश्वविद्यालय बीकानेर भास्कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किए नए संख्यात्मक, अधिकतम 30 उत्तर पुस्तिकाओं का होगा बंडल, श्रीगंगानगर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम 2020, परीक्षा बच्चों की, डरे हैं अभिभावक,
आरबीसी की परीक्षाएं 18 से बच्चों का तापमान जांचने को नहीं हुई, थर्मल स्कैनर की व्यवस्था, अधिकांश केंद्र सैनिटाइज नहीं हुए, श्रीगंगानगर भास्कर पदस्थापन, महात्मा गांधी सरकारी स्कूल के इंटरव्यू शुरू, मास्क व सैनिटाइजर सहित फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा, श्रीगंगानगर प्रिंसिपल व टीचर्स अवार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, अजमेर भास्कर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं विज्ञान वर्ग की गणित की उत्तर पुस्तिका 10 दिन में ही जांची जाएगी, अजमेर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणाम 2020। एक और पहल, प्री बजट मीटिंग में तय होगा MDSU के नए कोर्सेज का खर्चा, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर भास्कर, ग्रीष्म अवकाश पूरा होने पर कॉलेज पहुंचे शिक्षक, जयपुर एवं अजमेर भास्कर, ऑनलाइन कक्षाओं के लिए तय होगा समय, इस पर गाइडलाइन बना रहे केंद्र, नई दिल्ली भास्कर सरकार के नए फरमान से बड़ी शिक्षकों की परेशानी, जोधपुर LDC 7 साल बाद मिल गई नियुक्तियां, जयपुर LDC भर्ती 2013 RPSC की भर्ती, एग्जाम सीजन, छात्रों और शिक्षकों को बिना मास्क के परीक्षा केंद्र पर नहीं मिल पाएगा प्रवेश, अजमेर भास्कर CBSE ने लॉन्च की एक्सप्रेशन सीरीज, कोटा भास्कर 2.5 घंटे के होंगे RTU के पेपर, जयपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दुर्घटना बीमा प्रीमियम अब हो गया 2 गुना, 12 लाख छात्रों पर पड़ेगा 6 करोड़ रुपए का वित्तीय भार, कोटा भास्कर। तो दोस्तों, इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।